हाय, मैं हूं करण त्रिवेदी, आपका लाइफस्टाइल एंड परफॉर्मेंस कोच, एंड वेलकम टू माय सीरीज बल्ले बल्ले बॉडी, फिटनेस और न्यूट्रिशन का तड़का। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट की, जो आपके ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी लोअर बैक को टारगेट करती है, विच इज डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट से पहले जो आपको वार्म अप करना है, वो तीन मसल्स को तो बहुत ही ज़रूरी करना है, वो आपकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक। हम स्टार्ट करेंगे हैमस्ट्रिंग से। हैमस्ट्रिंग के लिए एक सिंपल सा आपको वार्म अप बता देता हूँ, स्ट्रेच है एक्चुअली। तो इसमें आपको करना क्या है, नीचे जाना है, नीज को भी बेंड नहीं करेंगे, जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ ले जाइए, फिर नीज को बेंड करके अपने टोज को होल्ड करिएगा और फिर नीज को बेंड करके हल्का सा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे पीछे की साइड, आगे बेंड करेंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे। इसको आप 10 से 15 बार रिपीट करिए, 3 से 4 बार रेपिटेशन पे रखिएगा आप इसको। सेकेंड जो हम करेंगे, अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करेंगे। रूट्स को स्ट्रेच करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने पेल्विक को पीछे ले जाएंगे और आगे थ्रस्ट से इसे आगे लाएंगे और इस चीज़ को स्क्वीज करेंगे, आप अपने हिप्स को स्क्वीज करेंगे। अगेन 10-15 टाइम्स रेपिटेशन रखिएगा इसका, ब्रीद आउट करेंगे जब भी आप स्क्वीज कर रहे हैं। लोअर बैक जो थर्ड हमारा पार्ट है, उसको स्ट्रेच करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना, अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और आगे अगेन अपने टोस को टच करेंगे, बट इसमें अपनी नी को बेंड नहीं करेंगे एंड ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन ऊपर जाते हुए, ब्रीद आउट नीचे जाते हुए। और इसी में एक बार हाफ ले लेंगे, हाफ आ जाएंगे, अपनी बैक को आर्च में रखेंगे और ब्रीद आउट यहाँ पे होगा जब आर्च में होगी बैक आपकी, और ब्रीद इन यहाँ पे होगा। आपको पैरेलल टू द ग्राउंड आना है और उसके बाद आर्च में आना है। इन तीन एक्सरसाइज को आप रिपीट कर लीजिए, अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपके ऑल दी मसल्स ग्रुप की और आप डेडलिफ्ट करने के लिए अब रेडी है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि डेडलिफ्ट करने के लिए आपको किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप देख सकेंगे, मेरे सामने दो बार्स हैं, एक छोटी और एक बड़ी। जो ओलंपिक बार है वो 20 किलो की होती है और 7 फीट के आसपास होती है, और जो छोटी बार है वो 3 से 4 फीट की होती है और 6 से 8 किलो की होती है। अगर आप देख सकेंगे, दो स्टेपर भी मैंने रखे हुए हैं। ये स्टेपर इसलिए रखे हुए हैं कि जितने भी लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं डेडलिफ्ट सीखने की, ताकि उनको ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े, वो यहीं से लिफ्ट कर सकें। और दो वेट्स भी रखे हुए हैं, इन वेट्स को आप यहाँ से उठा के इस बार में डालेंगे। तो ये थी हमारी इक्विपमेंट जो हमें डेडलिफ्ट में यूज़ करनी है। चलिए अब हम आपको करके दिखाएंगे कि डेडलिफ्ट होती कैसे है। आप देख सकेंगे कि इनकी जो पैरों की दूरी है वो इनके शोल्डर विड्थ जितनी है, चेस्ट आउट है, बैक इन है और ग्लूट्स स्क्वीज्ड इन है। अब आप नीचे जाके एक बार ग्रिप करके दिखाएंगे। एक ग्रिप ये होती है जो न्यूट्रल ग्रिप कहलाती है, और एक ग्रिप ये होती है, इसमें एक सुपिनेटेड और एक प्रोनेटेड तरीके से आप ग्रिप करते हैं। हम नॉर्मली न्यूट्रल ग्रिप से ग्रिप करेंगे, क्योंकि इससे आपके बाइसेप्स के इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और ग्रिप कहाँ करना है, आप अपने पैर को देखेंगे, यहाँ से आपका हाथ थोड़ा सा अंदर जाएगा इसी के बाहर, और यहाँ से आप ग्रिप करेंगे। इनका जो गैप है वो मिनिमम होगा, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेडलिफ्ट करें, या तो नंगे पाँव करें या फिर कैनवस शूज़ के साथ करें, जो पीटी शूज़ आप स्कूल टाइम पे पहना करते थे। इन वाले शूज़ में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि पीछे से हील अप होती है, तो आपका जो बॉडी वेट है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब ये इसको लिफ्ट करेंगे, हाथों को देखिएगा, ये एल्बोस को ऐसे रोटेट करेंगे, इनवर्ड इनवर्ड रोटेशन होगी एल्बोस की। पूरा नीचे बैठे हैं स्क्वाट पोजिशन में, चेस्ट अप रखेंगे और लिफ्ट करेंगे हम ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग से। एक बार लिफ्ट करके दिखाएंगे, यस
चेस्ट आउट, बैक इन, बैक में ऐसे आर्च आएगा आपके, एक बार पूरा करके दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा कि नेक अलाइन रहेगी आपकी स्पाइन के साथ। ब्रीद इन करेंगे जब नीचे जा रहे हैं, और जब ऊपर आ रहे हैं ब्रीद आउट। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा जब भी आप वेट को नीचे से लिफ्ट करें हमेशा शिन के पास से करेंगे, बॉडी के पास से करेंगे। लिम्ब जितना दूर होगा बॉडी से उतने ही इंजरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से हम डेडलिफ्ट करेंगे। चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आप डेडलिफ्ट में तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें मल्टीपल मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, एग्जॉस्टिव मूवमेंट है, इसीलिए आपको न्यूट्रिशन ऑन टॉप रखना है। वर्कआउट से पहले एक हाई कार्ब मील लीजिए जिसमें प्रोटीन और फैट्स थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करिए एटलीस्ट एक घंटा पहले। उसके बाद अगेन आपको एक हाई कार्ब मील लेना है विद हाई प्रोटीन ऑल्सो, ताकि जो ग्लाइकोजन आपने एग्जॉस्ट किया है, यूज़ किया है, उसे आप रिप्लेनिश कर सकें। तो इस तरीके से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए और रिकवरी को ऑन टॉप रखिए। और ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि डेडलिफ्ट कैसे करनी है, क्या इक्विपमेंट लेने हैं, और कौन से मसल ग्रुप पे वो टारगेट करता है, और क्या न्यूट्रिशन लेना है आपको प्री वर्कआउट, और क्या न्यूट्रिशन लेना है आपको पोस्ट वर्कआउट। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, मुझसे पूछिए। और ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओनली माय हेल्थ।